अपनी फाइल्स को, फाइल हमारी जो है वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, या हमारा कोई इमेज भी हो सकता है जिसमें फोटो वगैरह है, तस्वीर है, तो वो हम शेयर कर सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग जो है वो नेटवर्क का सब बेनिफिट है कि हम नेटवर्क के ज़रिए हम अपनी ये चीज़ें जो है वो आसानी से शेयर कर सकते हैं, उसमें टाइम भी बच जाता है हमारा और उसमें हमारा बजट जो है वो भी कम इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फिर देखें सेकेंड हमारा जो है वो है हार्डवेयर शेयरिंग। तो हार्डवेयर शेयरिंग स्टूडेंट्स होता है कि जैसे देखें आपके स्कूल में अगर कंप्यूटर लैब भी है तो वहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर लैब में 16 कंप्यूटर हैं तो वहाँ पे एक जो है प्रिंटर यूज़ होता है। तो उसमें फिर ये कि एक प्रिंटर को हम तमाम कंप्यूटर्स के साथ जो है उसको शेयर कर सकते हैं। अब ये तो नहीं होता कि हमारे पास अगर 15 कंप्यूटर हैं तो हम 15 प्रिंटर ही लें। देखिए एक प्रिंटर अगर सपोज हमारे पास उसकी जो कास्ट है वो 20-25 हज़ार का अगर प्रिंटर आता है तो अगर आप लेते हैं 10 प्रिंटर भी लेते हैं तो देखें आपको कितना जो है बजट लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर हमारी लैब में 15 कंप्यूटर हैं तो हम एक प्रिंटर लेके हम उसी प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं और उसको हम उसी से ही हम बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क में हार्डवेयर शेयरिंग जो है वो आप हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। तो प्रिंटर है या फिर ये होता है कि एक सिस्टम है उसकी आप उसमें जो हार्ड डिस्क है वो डाली जाती है, उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो हार्ड डिस्क को जो है वो भी नेटवर्क पर शेयर किया जा सकता है कि बाकी तमाम कंप्यूटर्स हैं उसे एक हार्डवेयर हार्ड डिस्क जो है ना उससे अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं उससे, और उससे डाटा जो है ना एक्सेस भी कर सकते हैं। इसी तरह से सीडी रोम होता है, सीडी रोम जो है उसको भी हम शेयर कर सकते हैं मतलब एक तमाम नेटवर्क पे। तो स्कैनर है उसको किया जा सकता है। तो क्या होता है कि अगर हमारा ऑफिस है या स्कूल है यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर हमारे ज़्यादा सारे कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, तो वहाँ पर ये होता है कि हमें जो है वो ये डिवाइसेस जो होती हैं जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है ये मतलब कि लेनी नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, हम एक से ही अपना काम है वो कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे जो है ना बजट में भी बजट जो है वो भी हमें कम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं नेटवर्क में हार्डवेयर को जो है शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी देखिए फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन शेयरिंग है। एप्लीकेशन शेयरिंग में होता है कि हमारा जो अगर एक कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे हम दूसरे कंप्यूटर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिससे मतलब है कि उसे हम शेयर कर सकते हैं। जैसे देखें सपोज आज हमारे पास हम लोग सब लोग एटीएम जैसे यूज़ कर लेते हैं, एटीएम मशीन है, तो एटीएम जो है एटीएम पे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को कस्टमर जो है वो भी यूज़ कर रहा होता है और जो कैशियर है वो भी यूज़ कर रहा होता है और जो मैनेजर है वो भी यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है देखें उसे 3 लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो क्या है कि हम जो एप्लीकेशन है नेटवर्क पे एप्लीकेशन को भी शेयर किया जा सकता है कि एक कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन है उससे आप बहुत सारे कंप्यूटर्स पे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग है। तो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में आ जाता है कि हमारे पास जैसे देखें वाईफाई है तो हम अगर वाईफाई मतलब एक कनेक्शन ले लेते हैं इंटरनेट का तो उससे हम बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए घर में भी अगर हमारे पास अगर वाईफाई है तो हम उसको मतलब वाईफाई से हम जितने चाहें अपने मोबाइल्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उनको हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं या फिर हम उसमें जो है अपनी वायर लगा के भी हम सिस्टम जो है वो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग भी हो जाती है कि हम एक कनेक्शन लेके हम बहुत सारे लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आ जाता है हमारे पास यूज़र कम्युनिकेशन है। यूज़र कम्युनिकेशन में देखें स्टूडेंट्स हम जो है हम मतलब एक वॉइस में हमारा मैसेज है वो हम शेयर कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये होता है कि हम जैसे सपोज ऑफिस है